जो हमारी बहन है वो होने जा रही है सेल, उनको ये गाड़ी अच्छी लगी और उनको पसंद आ गई। हमारे दिल ना होते हुए हमें वो गाड़ी उनको देनी पड़ी। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सेटिंग वगैरह में करके सारी बैठा था व्लॉग की, अपने बैठ के व्लॉग करना, जैसे व्लॉग करने बैठो लाइट चली गई है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब पाकिस्तान में रहते आप कुछ काम सही से कर भी नहीं सकते ना, और ऊपर आज ईद है, ईद का तीसरा दिन है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। इनको ईद के दिन भी चैन नहीं के बंदा, आप सकून से अपनी ईद भी नहीं गुजार सकता। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। तो लाइट है, फिर जो अपना काम है उसको शुरू करते हैं। A few moments later. ओके तो बॉयस, अभी लाइट तो नहीं आई और हम लोग जा रहे हैं अभी लोकेशन पे, और गाड़ी में हम लोग अपना जो ब्लॉग है रिकॉर्ड करेंगे। लाइट ने आना नहीं, हमने बोला जब तक अपनी जो ब्लॉग है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी अपनी लोकेशन पे चलते हैं मोबाइल पर, फिर जाके अपना जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग तो ठीक ठाक खैरियत से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड अदर वीडियो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है मैं लेट हो गया व्लॉग में, आप लोग शायद ईद के चौथे दिन या उसके अगले दिन देखे होंगे, लेकिन क्या करें यार, कंसिस्टेंसी नहीं थी तो ये कंटेंट मिल गया, तो ये हम लोग बनाने आ गए। तो सीन ये आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल टाइटल से कि जो हमारी रिबॉन है वो होने जा रही है सेल। अच्छा अब इसकी स्टोरी के कि हमारा जो मूड बिल्कुल भी नहीं था कि हम इस गाड़ी को ऐसे सेल करेंगे, वो भी इतनी जल्दी। इस गाड़ी को हमारे पास आए टाइम में कितना हुआ, मे बी 4 मंथ्स भी नहीं मुश्किल से हुए। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ सीन क्या हुआ है। तो मेरे ब्रदर हैं, उनकी फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब हमें भी जानते। तो उनको वो गाड़ी काफ़ी टाइम से ढूंढने तक ना उनको नई गाड़ी की जरूरत थी, और उसी दौरान हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे। तो जिस दिन फाइनल होकर हमारा प्रोजेक्ट वापस घर आया, हमने सबको दिखाया, तो उनको ये गाड़ी अच्छी लगी और उनको पसंद आ गई। तो उन्होंने मेरे भाई को बोलना शुरू कर दिया कि गाड़ी आप मुझे सेल कर दो, ये वो। उन्होंने अपने फादर को सारा बता दिया, अपनी फैमिली को बता दिया कि ये गाड़ी ऐसे मैंने पसंद कर ली। मतलब हमारे दिल ना होते हुए हमें वो गाड़ी उनको देनी पड़ी, क्योंकि अब देखो जो चीज़ आपकी किस्मत में जितनी लिखी होगी आपको उतनी मिलेगी। आप जो कुछ भी कर लो आपको वो चीज़ उतनी मिलेगी जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी होगी जितनी। बात तो सही है। इस वजह से हमें अपनी ये गाड़ी सेल करनी पड़ी है, वरना हमारा कोई दूर दूर तो कोई मूड नहीं था कि हम इतनी जल्दी इस गाड़ी को सेल करेंगे। बल्कि मैंने आपको बताया भी था, अभी हमने इसको और भी बनाना था, इसकी लाइट्स वगैरह, इसके टेंट्स वगैरह, इसके इंटीरियर में बहुत कुछ हमने करना था। चलो खैर है, इंशाल्लाह फिर ले लेंगे, फिर से उसको तैयार कर लेंगे और इससे अच्छा भी तैयार कर लेंगे। और गाड़ी की अब कुंडली के बारे में बात कर लेते, जो हमने इसकी कुंडली बनाई है। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देख लिया था कि हमारी गाड़ी कैसी थी, किस हालत में आई थी गाड़ी की, क्या क्या कंडीशन थी गाड़ी में, क्या क्या काम थे और किस माड़ी कंडीशन में गाड़ी आई थी। गाड़ी में अजीब सी स्टिकरिंग हुई थी, गाड़ी का पेंट काफ़ी जगह से फेड हो चुका था, गाड़ी को पूरे एक नए शावर की ज़रूरत थी, रिम टायर गाड़ी को बेसिक से लगे हुए थे, और भी बहुत कुछ, इंटीरियर इसके बहुत चेंज हो रहे हैं, इंटीरियर में इसका बहुत काम था, डिटेल गाड़ी मांगती थी, जो सारा मैंने आपको वक्त के साथ साथ दिखाया है। गाड़ी को हमने शावर कराया, इसको किट्स लगाएं, इसको रिम टायर डाले, और इसके इंटीरियर में बहुत कुछ काम किया। इसके हमने जैपनीज मीटर में कन्वर्ट किया, जैपनीज स्टेयरिंग लगाया, पैनल्स वगैरह चेंज किए, लाइटिंग वगैरह इंस्टॉल की, ये सारे काम मैंने आप लोगों को दिखाया इसके हमने क्या क्या काम कराया। अच्छा मैकेनिकल कामों के ऊपर आए, तो जब हमने गाड़ी ली थी इसमें मैकेनिकल इतने कोई काम नहीं थे जितने, अगर आप गाड़ी लो, गाड़ी सिर्फ देखने में इतनी लग रही थी, लेकिन जो गाड़ी के जो सस्पेंशन, जो मैकेनिकल जो मेन काम होते हैं, इंजन गियर वगैरह, वो सब 10x10 थे, जिसकी वजह से हमने इस कंडीशन में ये गाड़ी ली थी। तो वक्त के साथ साथ बना लेते हो अपने माइंड की वजह से, कि आपने अगर उजड़ी हुई गाड़ी भी अगर आप ले लोगे तो वक्त के साथ साथ अपने टाइम से बना लेते हो आप वो गाड़ी, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट लिया था। और अब आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने माशाल्लाह हमारी गाड़ी खड़ी है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। अरे सामने के मानना तेरी तो ये थोड़ा इग्नोर करना, हम लोग दरख्त के नीचे खड़े हैं तो अभी ये थोड़ा
हवा अगर चली तो ये होगा। खैर अभी का सीन ये कि ओनर जो है वो उसके न्यू ओनर है वो हमें कह रहे थे कि गाड़ी अभी हमारे हैंड ओवर कर दो, लेकिन हमने उनको थोड़ा इंसिस्ट किया और हमने उनको थोड़ा बोला कि हमें थोड़ा टाइम अपना आखिरी जो टाइम है हमारा इस तरह बिताने दें, फिर आपको हम अपनी गाड़ी जो है आपकी गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे। अभी इसका थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हरकत नहीं करेंगे जो हमने अपने कॉर्ड सेफ के साथ की थी, उसके मांडे शांडे मारे थे वो तो नहीं करेंगे। थोड़ा वो इसके लिए पैर वोपर जो है वो कर लेंगे, फिर जो है उनकी जो अपनी गाड़ी जो है उनको हैंड ओवर कर देंगे। बस अब जो थोड़े बहुत शॉर्ट लेते देन इसके जो न्यू ऑनर आते हैं फिर मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। हाँ ओ शापर यार ग्रैंडी को साइड करो सारी वीडियो का हैं। मैं आपको बताना भूल गया था, आप लोगों की फरमाइश हमने इसकी गाड़ी की ना प्लेट भी चेंज कर दी थी, हमने ब्लैक प्लेट्स लगा दी थी बैक पे भी और फ्रंट पे भी, तो लुक और अच्छी निकल आई है। बस इसी तरह गाड़ी भी हम भाई को हैंड ओवर करेंगे। 15 मिनट्स लेटर तो बॉयस सभी का सीन ये कि भाई हमारे आ गए जिनको हमने गाड़ी हैंड ओवर करनी थी और गाड़ी उनको हैंड ओवर करने लगे, गाड़ी में बैठे हैं भाई हमारे, इनको सारा एचटीबीसी सिस्टम समझा रहे हैं कि क्या क्या है गाड़ी का, क्या क्या सिस्टम है। कैमरा शायद वो इसलिए कैमरा में नहीं दिखा सकता, मेरे भाई के दोस्त हैं वरना अगर कैमरा में आना चाहते हो अगर कैमरा शायद ना होते मैं आपको दिखा देता। बाकी अभी के लिए इतना ही, इस गाड़ी को यहीं पे अलविदा कह देते हैं, लास्ट टाइम देख लो बस, उसके बाद हमारा जो सीन है वो टाटा बाय बाय होने वाला है, गाड़ी हैंड ओवर करते हैं फिर लास्ट सीन इसके दिखाते क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ईके में आके मैं बैठ गए, ईके भी हमने निकाल लिए और रिबॉन हमारे सामने खड़े हैं, भाई को अभी भी हम समझा रहे हैं कि क्या क्या सीन है। और ईके हमने इसलिए निकाली क्योंकि ये तो जाने वाली है और हमने भी जाने अपने जो रिश्तेदारों से मिलना, जाहिर सी बात है ईद है तो मिलने वगैरह जाना है और ईदे वगैरह भी बटोरने जानी तो वहाँ जाना है, इसलिए हमने ईके निकाल ली। और आप लोग कॉन्फिडेंस चेक करो, जब से हमने रिबॉन लिए हमने रिबॉन और अपनी ईके को कभी साथ नहीं निकाला, ना कभी दोनों को साथ खड़ा किया जब से हमने गाड़ी ली है, और आज जब हमारी रिबॉन जाने लगी है तो हमने इन दोनों को साथ निकाले, तो चलता रहता है लाइफ का हिस्सा ही है। और चलते हैं ईदे वगैरह लेने चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या सीन है, गाड़ी तो हमारी बस जा रही है। हाँ? हाँ? जी तो बॉयज गाड़ी अपने भाई के हैंड ओवर कर दी, अब गाड़ी ऑफिशियली उनकी हो गई और अभी का सीन ये के बस दैट्स इट, गाड़ी उनके हैंड ओवर कर दी। और अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। और अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी लेंगे अच्छे लेंगे। अभी हमारा माइंड डबल माइंडेड हुआ कि कौन सी गाड़ी आप कौन सा प्रोजेक्ट लें कौन सा नहीं, एक दो गाड़ियां हमारे दिमाग में चल रही हैं कि हम उनका कोई प्रोजेक्ट करें उनमें से एक, खैर वो तो वक्त से आपको पता चल जाएगा। तो अभी का सीन ये कि गाड़ियों के नाम पे हमारे पास सिर्फ हमारी ईके और हमारी ओशान बची है, ओशान तो दूर खड़ी है। और रही बात ईके की तो ईद गुजर गई है, मेरा यार्ड नहीं आया, ये भी मेरी गलती है। खैर ईके उसके कुछ काम है, उसके लिए हमने कुछ छोटे मोटे स्टिकर वगैरह मंगवाए हैं वो लगाने और गाड़ी को जो है डिटेल करना है क्योंकि ईद गुजर गई गाड़ी की हालत थोड़ी गंदी है, चलें इसको डिटेल वगैरह करते हैं। आप लोग जब तक तो वो क्लिप्स देख लेना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉग को एंड। अगर आपको वीडियो और रिबॉन की सीरीज पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरी आ रही होगी। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो बॉयज ये वो स्टिकर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, स्टिकर सबसे पहले आपको दिखाते चले तो ये हमने लगाना है इसकी फ्रंट स्क्रीन पे ऐसे करके, ठीक है यहाँ पे जो लगता है ये स्टिकर है, इस पर क्या लिखा हुआ वो आपको स्टिकर लगाने के बाद ही दिखाऊंगा, तो स्टिकर लगेगा तो आपको पता चलेगा ऊपर जैपनीज भी लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरा हमारा आ गया ये लीफ, ये तो बहुत कॉमन स्टिकर है, ये तो आजकल लड़के लगाते हैं तो हमने सोचा अभी लगाएंगे। इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसको हम सोच रहे हैं कि इसको लगाएं हम यहाँ पे क्योंकि अब हमने इरादा किया कि ना इसको ना थोड़ा पीछे से ना यहाँ से स्टिकरिंग वाला काम करते हैं। ये तो स्टिकर है अपनी गाड़ी में लगाने, तो जल्दी दिन का जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो जी स्टिकर का काम हमारा डन हो चुका है,
बैक वाला स्टिकर दिखाऊं तो ये रिफ्लेक्टिव वाला है, इस पर अगर फ्लैश पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने बैक पे लगाया, और जो मेन स्टिकर है आगे वाला वो दिखाऊं, वो है ये चेक करो, सेम हमारी गाड़ी के नाम के साथ ही मैच कर रहा है, नाइट रनर, जो हमारी गाड़ी का नाम है नाइटमेयर, उसके साथ मैच भी कर रहा है नाइट रनर्स का, तो ये बड़ी गुड चीज़ लगी है। जैसे कि आपने देख लिया कि हमने अपनी गाड़ी पे स्टिकर जो है वो लगा लिया, और स्टिकर्स इज लुकिंग गुड। और अभी का सीन ये कि गाड़ी को थोड़ी ज़रूरत है कंपाउंड पॉलिश की खुद, क्योंकि गाड़ी के ऊपर अभी छोटे छोटे ना फिल्म मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि पेंट हुई हुई गाड़ी, उसके बाद मिट्टी वगैरह पड़ती है, तो उसकी वजह से थोड़े स्क्रैचेस आ गए हैं गाड़ी के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, इस गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश करने लगे खुद, तो मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड पॉलिश कैसे करते हैं। तो कंपाउंड पॉलिश करने के लिए गाड़ी को सबसे पहले कटिंग क्रीम लगाते हैं, तो ये हमारी कटिंग क्रीम है, ये वही सेम चीज़ है जो पेंटर्स वगैरह लगाते हैं आपकी गाड़ी के, जब वो कंपाउंड पॉलिश होती है पेंट के बाद, देन उसके बाद हम मारेंगे गाड़ी को कॉस्मिक। तो ये छोटा प्रोसेस होता है, इसमें इनमें फ़र्क ये है कि जो पेंट और भी गाड़ी है तो इसमें पहले सैंड पेपर लगता है ताकि गाड़ी की शाइन निकले, इसमें शाइन तो है बस इसमें जो स्विल मार्क्स और छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम एक बार पूरी गाड़ी को दोबारा से कंपाउंड पॉलिश कर रहे हैं। ये आप रूटीन के साथ साथ भी कर सकते हो, वीक में एक दफ़ा या मंथ्स के ऊपर आप रख लो कि जिस तरह आपकी गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेज पड़ते हैं, ये पड़ते या बिल्ली वगैरह चढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अब जो अपना प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेन चीज़ हमारी यही है जिसमें जो गाड़ी का सबसे बड़ा पार्ट है, तो इसके ऊपर स्क्रैचेज अभी देख सकते हो कितने सारे पड़ गए, ये वजह है जिसके ऊपर आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम कटिंग क्रीम लगाना शुरू कर दिए, और ये बिफोर आफ्टर का सीन देख लेना, अभी गाड़ी की शाइन भी इससे फ़र्क आ जाएगा, जो स्क्रैचेज वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इधर देख लो, इस वाले फेंडर पे हमने सिर्फ कटिंग क्रीम अप्लाई की है, और इसमें सिर्फ अभी हमने पूरा इसका प्रोसेस नहीं किया, इसके ऊपर हमने लगाई भी है, इसके ऊपर हमने लगा के इसको एक बार कपड़ा मारा है, तो फ़र्क आप लोग देख सकते हो कितना आ गया है। अच्छा, जो कटिंग क्रीम आप लगाते हो उसके ऊपर माइक्रो फाइबर क्लॉथ नहीं अप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर ये वाला क्लॉथ अप्लाई होता है जो आपने कॉस्मिक अपनी लगानी होती है ना, उसके लिए आप ये माइक्रो फाइबर अप्लाई करते हो उसके गाड़ी के ऊपर। चेक करो भाई, इस साइड ने कंपाउंड पॉलिश मार ली है और इस साइड नहीं मारी, तो वाजे फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ कितना फ़र्क आ गया और यहाँ कितना फ़र्क आ गया। यहाँ पे डलनेस ज़्यादा है, यहाँ पे डलनेस बिल्कुल भी नहीं है, और पल्स की तो बात ही मत करो। इस तरह पूरी गाड़ी का अपना कंपाउंड पॉलिश अलग जो काम है वो करते हैं, देन आपको फाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं। कंपाउंड पॉलिश हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट हो गई, और अब भाई इसके थोड़े रिम्स और इंजन ब्रेक के ऊपर थोड़े ध्यान देने की। तो रिम्स और इंजन ब्रेक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये स्प्रे होता है, ऑल पर्पज़ क्लीनर होता है, फॉर्मिंग स्प्रे होता है, इसको आप अपने रिम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और अपने इंजन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ये क्लीनिंग बड़ी अच्छी करता है। तो इनको अपने रिम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लुक कैसी आती है, देन अपने जो इंजन भी है उसके ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं कैसी लुक आती है। नीचे देख लो गाड़ी को, हमने शुरुआत में नीचे जॉबर्स बना दी, चेक करो अभी हमने बस अप्लाई किया इसको, ना कपड़ा वगैरह मारना होता है आपको, बस इससे ज़्यादा छोड़ देना होता है, ये अपनी जो चीज़ है उसके ऊपर खुद ही सेटल हो जाता है जैसे इसको शाइन छोड़नी होती है। अभी देख लो लुक कैसी आ रही है इंजन ब्रेक की निकल आई है। तो बस गाड़ी जो हमारी फाइनल हो चुकी है, और अब आपको गाड़ी की लुक दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की आ रही है, बिफोर आफ्टर आप लोगों के सामने की गाड़ी की पहले कैसे लुक थी और अब कैसी लुक है। गाड़ी के जितने फिल मार्क्स और स्क्रैचेस वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए, और गाड़ी पर जो पॉइंट्स हैं अपनी जगह पर आ गए जहाँ उनको होना चाहिए था। अभी की लुक देख लो आपको गाड़ी कैसी आ रही है, और गाड़ी अपने मेन पेंट के अंदर वापस आई, गाड़ी डल्क बहुत हो गई थी और गाड़ी पे चीज की नीड भी थी, तो या खुद भी घर पे कर सकते हो, आपको कंपाउंड पॉलिश और कॉस्मिक चाहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।